हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब सही बुखारी दे अंदर अपनी सनद दे नाल हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत करते ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन यदुमन ली मा बैन लहयैही व मा बैन रिजलैही अदमन लहुल जन्ना कि जड़ा बंदा मैनू अपने दो जबड़ियां दे दरमियान वाली चीज़ यानी जुबान दे कंट्रोल दी जुबान दे काबू आंदी और दो टांगां दे दरमियान यानी शर्मगाह दी हिफाजत दी जमानत देंदा है मैं उसनू जन्नत दी जमानत अता करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा बंदा मनू अपने दो जबड़ियां वाली चीज़ जड़ी दरमियान च यानी जुबान इस दे कंट्रोल दी इस दे काबू होने दी इस दी हिफाजत दी और दो टांगा दे दरमियान यानी शर्मगाह दी हिफाजत दी जमानत देंदा मैं उसनु जन्नत दी जमानत अता करना वा। और हज़रत सैयदना इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अलमौजमुल औसत दे अंदर अपनी सनद दे नाल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कोलों रिवायत कीता है फरमांदे ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उकफुलू ली बिसित्तिन अकफुल लकुमुल जन्ना मैनू तुसी छे चीज़ां दी जमानत दवो मैं तुहानू जन्नत दी जमानत देना। नबी करीम अली इस्लाम ने सहाबा दी जमात च इरशाद फरमाया सी मैनू छे चीज़ां दी जमानत दवो मैं तुहानू जन्नत दी जमानत देना। कुल तो हज़रत अबू हुरैरा कहंदे ने मैं अर्ज़ कीती मा हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छे चीज़ां केड़ियां ने जिन्ना दी जमानत असीं देनी है ते तुसां सानू जन्नत दी जमानत देनी है। नबी करीम अली इस्लाम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा सुन लवो अस्सलात पहली है नमाज पढ़ना दूसरी वज़कात ज़कात अदा करना तीसरी वल अमानतो अमानत दे अंदर खयानत ना करना चौथी वल फर्जो अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करना पंजवी वल बातां नू अपने पेट नू हराम गिज़ा तो बचा के रखना खान पीन वालियां जड़ियां चीज़ां हराम ने उन्हां तो बचा के रखना और जड़ियां हलाल भी ने वो भी जरिया जायज़ होवे उन्हां नू हासिल करने दा ते फिर पेट च दाखल करनियां ने जड़ियां चीज़ां होवन हलाल लेकिन उन्होंने तुसा हासिल किसी गलत जरिए ना किया वे जिदी शरीयत ने इजाजत नहीं दीती तो वह भी अपने पेट के अंदर दाखिल नहीं करनिया। यदि मैं मिसाल अक्सर देना कि मसलन बकरी या जानवर हलाल इस्तेमाल करना जे तुसी चोरी का लै वो किसी का हूँ उसनों भी इस्तेमाल नहीं वो कर सकते वो तुहाडे वास्ते इस्तेमाल करना हराम हो गया वे। और छेवीं चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल लिसान ज़ुबान कि इस जुबान की हिफाजत की जमानत दवो तो मैं तुहानू जन्नत की जमानत देना वा। अल मुख्तसर ये नबी करीम अली इस्लाम ने बज़ाहिरन ते छोटे जुमले बोले ने लेकिन इन्हां विच बहुत ज़्यादा फायदा वे कि नबी करीम अली इस्लाम ने फरमाया कि ये नमाज पढ़ने की जमानत दो ज़कात अदा करने की अमानत च खयानत ना करने की जमानत दो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दो अपने पेट नू हराम गिज़ा तो बचा के रखो अपनी जुबान दे काबू करने की जमानत दवो इन्हां कम्मां की जमानत तुसी दवो ते जन्नत की जमानत मैं तुहानू अता करना वा। और तीसरी हदीस पाक च नबी करीम अली सलातुस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत सैयदना
उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इरशाद फरमाने ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदमनू ली सितम मिन अंफुसिकुम अदमन लकुमुल जन्ना, तुसी मैनू अपनी तरफ छे चीज़ों की जमानत दो, मैं तुहानू जन्नत की जमानत देना। और केड़ियां केड़ियां ने? नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज़ उस दो को इज़ा हद्दस्तुम, जदन गल करनी जे सच्ची करनी जे। अगे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वाउफू इज़ा वअद्तुम, जदन वादा करना जे पूरा करना जे। तीसरी चीज़ नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदन तुहाडे कोले अमानत रखी जाए तो अमानत का हक अदा करना जे। चौथी चीज़ नबी करीम अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया सी कि अपनिया वहफजू फरूजकुम, अपनिया शर्मगावां की हिफाजत करो। और पंजवीं चीज़ वगुद्दू अबसारकुम, अपनिया अखां नूं नीवियां रखिया करो चलन लग्यां, ताकि इन्हां दी हिफाजत रवे और किसी किस्म की बुराई की तरफ बंदे का ज़हन ना जाए। और छेवीं चीज़ नबी करीम अली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, वकूफू अईदियकुम, अपने हाथों नूं तकलीफ देने तो रोक के रखो। जिस वक्त ये छे काम तुसी करोगे तो मैं तुहानू जन्नत की जमानत देना वा। ये जिस वक्त गौरव फिक्र करिए, अज वाली तीन हदीसों के मुताबिक कुल 12 काम बनते हैं, क्योंकि दो हदीसों में दो काम ने जोड़े इको जे आए ने। इस वास्ते वैसे बजायरन 14 में जिक्र कीतियां ने, लेकिन जड़िया मुश्तराक ने वह कढ दईए, उन्होंने एक ही शुमार करिए, तो यह अज के 12 काम बनते ने। कि नबी करीम अली सलाम ने फरमाया, यह काम तुसी करो तो जन्नत की जमानत तुहानू मैं अता करना वा। अल्लाह करीम सानू दीने इस्लाम का फहम नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्ला।